शुक्रिया 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 सूरीनाम के तमाम जनता, और जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रहे हैं मेरा प्यार पहुँचे, क्योंकि आप लोग चाहे जहाँ पर हो ज़रूर आप तो जानते हैं आप लोगों के लिए संदेश जो है मुझे भेजना ही पड़ता है, क्योंकि इसका हकदार आप लोग है। ए भैया जी, देश का प्रेसिडेंट देसी बहुतर से, देश का प्रेसिडेंट देसी बहुतर से आज नेशनल असेंबली में अपना यार रीड पढ़ करके और लोग को बताए हैं कि वो 2019 में उनका सरकार सूरीनाम में क्या करेगा, सूरीनाम में कौन कौन चीज करेगा। इस यार रेड में जैसे आप जानते हैं श्रीमान बौतर से बार बार एक बात कहते थे, वी कैन डू द जॉब। लेकिन पार्लियामेंट में कोई उनको समझाया नहीं कि प्रेसिडेंट यू कैन डू द जॉब, वी के मतलब कि वे। लेकिन तो आप तो जानते भैया, अगर यही बात होता कि सब मिनिस्टर सब लोग अच्छे से काम करता देश में, तो आज हम धक्का नहीं खाते बाप। अगर देश का प्रेसिडेंट वो कर सकता है तो वो कर सकता, लेकिन वी नहीं, वो क्या बोलना चाहिए, आई कैन डू द जॉब, समझे ना, वो कर सकता है। इसलिए प्यारे लोग, हम लोग तो कितने सालों से मिनिस्टर के पास जो चिट्ठी गया है इंतजार कर रहे हैं कि मिनिस्टर अंतर दे, मिनिस्टर वो काम करे, और अभी तक कितने मिनिस्टर है जो हम लोग को अंतर दे नहीं पा रहा है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट कहते वी कैन डू द जॉब, वो कर सकते हैं, वो कह सकते हैं आई कैन डू द जॉब, ही कैन डू द जॉब, लेकिन बाकी लोग ऐसा ही काम करता तो आज हम लोग को इंतजार करना ही नहीं पड़ता प्यारे लोग। लेकिन एक बात से प्रेसिडेंट या एक दो बात ने कहा, और अभी हम आगे करके और कुछ कहेंगे इसका यार रीड के बारे में। ये तो असेंबली लीडर लोग चाहिए अपना कमेंटार देने के लिए, अपना विचार सामने रखने के लिए, वो असेंबली लीडर के काम, वो मेरा काम नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात जो मेरे कान में आया कि हमारा देश का प्रेसिडेंट कहा कि पुराना स्टार्ट ऑफ सूरीनाम, पुराना स्टार्ट ऑफ सूरीनाम जो खराफन स्ट्रात और ख्रोतो कोम्बिवेक के कोने पर था, तो यानी पहले वहां स्टार्ट ऑफ सूरीनाम, बाद में लोग उसको असेंबली कहने लगा, वहां बगल में था मिनिस्ट्री फॉर अल्केमी एंड नजाक, पीछे में रहा कोस्टलोज रेख्त स्टांत, और फिर जाकर के आर्बेल के एक बड़ा कंतोर था, वो सब आग से जल करके और कुछ साल पहले राख हो गया। प्रेसिडेंट कहा कि वही जगह पर जहां पुराना स्टाटन फॉन सूरीनाम था पहले, वहां पर वही तरीका के, क्योंकि जितना पुराना मकान कॉलोनियल टाइट में बकरा के जमाने में बना है, वैसा ही इस मकान को फिर से खड़ा करना चाहिए। पुराना जमाना के एक बड़का स्तूप जिसको कहते हैं सीढ़ी, उसके बाद में तब ये मकान था असेंबली लोग कहते हैं या स्टार्ट ऑफ सूरीनाम, तो वैसा ही वहां पर उनको बनना चाहिए जहां पर पहले था। तो प्रेसिडेंट बौतर्स ने कहा कि आने वाले साल में यानी आने वाले साल के कौन साल भैया, 2019, ये पुराना जो वहां असेंबली यानी कि स्टार्ट ऑफ सूरीनाम जो था वैसा ही फिर से वहां खड़ा किया जाएगा। हम लोग ये बात को इंतजार करेंगे, 2019 के कहा, चुनाव से पहले कहा, तो नेशनल असेंबली जो पुराना जिस तरह से था वहां पर फिर से खड़ा होगा। बहुत ये बात ने कहा।
आगे चल करके कहा कि देखो बखरौतें करीबन 15 मिलियार्ड के सवाल है, 15 मिलियार्ड, चढ़े 13 मिलियार्ड के कारोबार के लिए पैसा है तो तकोर्थ है 1.5 मिलियार्ड। ये बखरौतें जो अगले साल है तो 1.5 मिलियार्ड बखरौतें तकोर्थ है, वो पैसा भी मिनिस्टर ऑफ फिनांसियन कोई तरीका से खोज करके, ये तकोर्थ जो है कम रहेगा बखरौतें में, उनमें यानी ला करके स्टोर्ट करेगा या ला करके दाखिल कुछ न कुछ करेगा ताकि ये बखरौतें के मुताबिक अगले साल यानी लोग आगे काम अपना कर सके, हर एक मिनिस्टर सरकार कहिए। मुझे इस बात से जरूर दुख हुआ है कि निकेरी के जनता, निकेरी के जितने लैंड बॉ फ्री निकलिंग है, खेतियर के फ्री निकलिंग है, यह लैंड बॉ फ्री निकलिंग के काम यही है कि वो लोग को चाहिए सरकार से जो कानून बनता है कानूनन तौर पर खेतियर के लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि खेतियर अभी तक धान का प्राइस मुकर्रर नहीं कर सका। हम सोच रहे थे कि वहां के फरीन खेंग सरकार से बातचीत करें, गवर्नमेंट टेक निकलवाएगा फ्रेफान इन फोर रेक्टन हर एक मशीन के ऊपर फ्रेफान इन फोर रेक्टन क्रिंस मैस जिसे लोग कहते हैं मैस वगैरह सामान वगैरह, ये कम से कम खेतियर के लिए बॉन्ड को चाहिए, फरीन खेंग को चाहिए मिनिस्टर से प्रेसिडेंट से ऑनदर हैंडल करेंगे। लेकिन ये बात मैंने खेतियर के बारे में कुछ नहीं सुना। हम जो सोच रहे थे कि शायद खेतियर के लिए कहा जाएगा कि वो लोग के लिए गवर्नमेंट टेक निकल गया इन्फोरेक्ट मशीन पर, इन्फोरेक्ट को इसमें पर निकाल दिया, उन लोग के लिए फ्री है और वो लोग खेती करेगा और निकेरी और कोरोनी मिलकर के जबरदस्त खेती करेगा और जो आमदनी होगा तो उससे सरकार आने वाले सालों से राज करेगा, जनता राज करता। जैसे गयाना में यही सही होता है, सब इन्फोरेक्ट फ्री, गवर्नमेंट टेक वहां नहीं लेता है। अगर बॉन्ड हो तो बॉन्ड को यह काम पर काम करना चाहिए और निकेरी के खेतियर लोग को एक मत रहना चाहिए, उन लोगों को कहना चाहिए कि देखो सरकार हम लोग के इनकम नहीं है तो हम लोग धान साइट नहीं लगा पाएगा, तो सरकार आप इंपोर्टेड करोगे याना से या और कोई मुल्क से। सरकार को चाहिए समय बना करके, बॉन्ड वालों को चाहिए सरकार से बातचीत करे के, निकेरी में चलाक लोग है। मैंने कई मरतबा कहा कि आप लोग को राय मशवरा लेना चाहिए, वो एक महान इंसान है, इसका नाम है लियाकत महावत खान, वो पढ़ाई इंसान है, हॉलैंड से पढ़े हैं, इंग्लैंड से पढ़े हैं है? और वो असेंबली लेट भी हो चुका है और वो सब कुछ जानते, हर एक पेज वो जानता है, उनसे बात करो आप लोग निकेरी में और कम से कम गवर्नमेंट टेक चाहे निकलवाए के, इन्फोरेक्ट चाहे कटवावे के और मैस पर या मशीन पर खेतियर को एक अच्छा बहांडलिंग मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग सरकार के बखरौतें जो आज कम है, अगर आज ये लोग को ये हक मिलता पहले तो शायद वो चकोर्थ जैसे है 1 मिलियार्ड ये सब आज उसका अदा कर सकते थे। इसलिए निकेली की जनता ये समय अभी है, हम सोच रहे थे कि आप लोग के ये जो मौका था आप लोग सरकार से बात करते कि गवर्नमेंट टेक कटवाने के लिए इन्फोरेक्ट मशीन पर इन्फोरेक्ट मैस वगैरह पर सामान पर, जैसे गयाना में, क्योंकि गयाना आप पड़ोस में रहते हैं, अब आप पड़ोस में रहते हैं तो पड़ोस से आपको सीखना चाहिए और आपको सरकार के सामने ये बॉन्ड जो है बॉन्ड ना खाली आप धमकी दो कि हम ही करब और आप जो भूख हड़ताल काहे के भूख हड़ताल करिए, आप इतनी मेहनत कर रहे थे, आप लोग सब कुछ कर रहे थे, आप लोग को सरकार के जाने उनकी दफ्तर में जा करके आप लोग को बातचीत करना चाहिए खेतियर के हक के लिए, ताकि देश में
यानी एलकुम, देश में ब्लास्टिंग लोग भरे, देश के तरक्की हो, लेकिन जब आप लोग बम्प उठा करके और सरकार से उस रूप में बात नहीं करेंगे तो सरकार यही बात कहेंगे, वी कैन डू द जॉब, वी कैन डू द जॉब, लेकिन कौन सा जॉब? निकेरी में अभी तक आप लोग प्रेस व्यापार कर पा रहे हैं खेत के, निकेरी के यानी प्रेस जो है धान के प्रेस, वो तो आप लोग को मुकर्रर कर देना चाहिए था। लेकिन प्यारे लोग, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि निकेरी के जनता को चाहिए जहां तक हो सके धान के बारे में सिर्फ सोचो, आप लोग को धान के बारे में बात सोचना चाहिए, और धान अगर लगाना है चौर बेचना है तो सरकार को चाहिए गवर्नमेंट टेक और इन्फोरेक्शन जो धान पर या मशीन पर हो या मैस पर जो हो, इसको निकाल देने के लिए खेती के लिए आप लोग को रखस्त्रे करना चाहिए, मिनिस्टर एलपीपी को रखस्त्रे करना चाहिए कि मान लिया जाए कि हर एक को इतना खेत होना चाहिए, इतना मशीन होना वगैरह वगैरह, जिसे गया नाम ये सब रखस्त्रे है, ऐसे नाम में भी हो सकता है। अगर आप नहीं करेंगे तो हर एक साल यही मुसीबत रहेगा आप लोग के साथ। तो भाइयों बहनों, आज रखिए इस प्रकार में हम ये बात नहीं सुनी है कि जो बड़े बड़े स्कूल यूनिवर्सिटी के लड़कन पास होते हैं और जो एसपीई और ये स्कूल के लड़कियां जो पढ़े हैं ये फ्रॉ, इन लोगों को आज तक नौकरी मिला नहीं। हम सोच रहे थे कि सरकार इस लोगों के बारे में कुछ कहेगा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के बारे में और क्विक स्कूल जो यहाँ बच्ची लोग पढ़ के पास होते हैं, जिन लोगों के पास आज तक काम नहीं है, हम सोच रहे थे कि सरकार उन लोगों के बारे में कुछ कहेगा, लेकिन कहा नहीं। तो इसलिए तनी से दुख हो जाता है जब ये सब बात सुनने में नहीं आया है। और जब हम सुन रहे हैं कि वी कैन डू द जॉब, ठीक है हम लोग कर सकते हैं हर एक चीज, लेकिन जो लोग पढ़त है यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने कहा, और जो खेती निकेरी में है उनके बारे में मैंने कहा ना, अगर हम लोग उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमें जॉब करके हमारा फायदा कौन से होता है। प्यारे लोग, अब जब जब आप लोग कुछ करो, आप इसके बारे में सोचो कि जब नीदरलैंड में आलू और फूल और प्याज के एक्सपोर्ट से ड्रियन ताक तो फेफन ताक मिलियर्ड यूरो हर एक साल उन लोग को मुनाफा होता है। यूरो के बात हम करीला, मिलियर्ड मिलियन मिलियन मिलियर्ड के बात हम करीला, खाली आलू प्याज और फूल के एक्सपोर्ट से। तो हम लोग के देश तो हॉलैंड से 4-5 मर्तबा बड़ा है, जहां हम कोरोनी और निकेरी में खाली धान लगा करके, फूल धान लगा करके ये अपने हाथ में हम रखेंगे। तो भाइयों बहनों, तो जाने कि क्या हो सकता है, हम लोग सूरीनाम में यानी क्राइमिस खबीत के हम लोग बड़ा उस्ताद रहेगा, लेकिन जब हम खुद हमारे में एकताई नहीं है, हम अपना भी एक मुकर्रर धान के प्राइस मुकर्रर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे विश्वास विश्वास नहीं है, है? हम लोग को सबसे पहले निकेरी में एकताई होना चाहिए। जो कितनी साल बीत गए अब मिलकर के बात करना चाहिए कि भाइयों क्या यही धोखा हम हर एक समय खाते जाएंगे, क्योंकि इंसान जो एक बार जन्म लेता है उनकी मृत्यु के बाद वो वापस नहीं आता है। तो तुम्हें जो कुछ करना है, जब तक प्रभु तुम्हें जीवन दिया है तब करो, मरने के बाद कौन चीज करेगा आप? मरने के बाद तू तो खुद नहीं जानते तुम्हारा आत्मा कहां जाएगा, इसलिए जिंदा में इंसान को हक मांगना चाहिए अपने लिए और अपने इंसान के लिए, अपने मजदूर के लिए, अपने खेतियर के लिए और अपने किसान के लिए। भाइयों बहनों, ये आज जो प्रेसिडेंट के यार रीड है, उस यार रीड के बारे में मुझे ये सब बात बोलना पड़ा। कमवेन में प्यारे प्यारे लोग, ओशस फॉर बेंडिंग इलाका कमवेन पर जहां एक रोतोंद है, वहां 3-3 गाड़ियां अपने आप में टकराया है। एक भैया जिसके पास रेलवेज भी ठीक से नहीं है ना, वो एक बस्टल में पहले धक्का जाकर के लगाया है,
और इसी कारण से चार लोग ज्यादा घायल हुआ और एक लड़का 4 साल का यही का उसी आरएनए द्वारा उनका मृत्यु हो गई है, उनका मृत्यु हो गई है। पता चला है कि जो गाड़ी प्रसोन ऑटो उनके पास रेलवेज भी नहीं है और जो बस्टल गाड़ी दूसरा बस्टल गाड़ी जिसमें 4 लोग थे उनका भी रेलवेज नहीं है। जो बस्टूर तजैन दो ईमान दी खेन रेलवेज कौन ऊपर लेगा। तो ये दुख के बात हुआ है प्यारे लोग कि एक 4 साल के लड़का यही एल उसी रोतोंद पर उनका मौत हो गया है। भैया जो हमारे देश के तमाम जनता जो है यहां पर पता चला है कि फयाजान स्ट्राट फ्लोरा में एक वेरखोप जिसका नाम है खदुपेरदन खजोंत है सौरफ एक संगठन तैयार हुआ है। मायसा न्यूज जो पॉलिटिक पार्टी स्त्री की है मुखिया ये आक्षी को अंडरस्टैंड करता है कि ये लोग खदुपेरदन इन द खजोंत है सौरफ ये आज एक संगठन तैयार किया है, एक संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड की है मायसा न्यूज जो पॉलिटिक पार्टी स्त्री के मुखिया है, इनको सहायता देगा क्योंकि ये लोग जैसे आप जानते हैं इन लोगों को सहायता नहीं मिलता है। सहायता न मिलने की वजह तो आप जानते हैं कि दवा नहीं है तो ये नहीं है तो ये कागज होना चाहिए तो वो ऑनलाइन फॉर यूज टेल बोरफ इसका मुखिया रहेगा एक वैरखरुख कहते लोग। ये वैरखरुख आज वहां तैयार होगा जनता के लिए, वो लोग आगे बढ़ेंगे और जनता को ये लोग सहायता देने के लिए ये ग्रुप तैयार किया है। भैया जनता देखो बहुत तरह के खबर अखबार ने लिखी सर और ये अखबार में ये सब खबर है तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखो फालिस जो इतनी हल्ला दंगा मचाया था बम फॉन ले रन एन अलियांसी फॉन ले क्राफ्ट ने सूरी नाम 1 अक्टूबर को स्कूल बंद रहता लेकिन बातचीत जब ने फिस प्रेसिडेंट ने किया तो आज स्कूल बंद नहीं था, हर एक स्कूल को गया हर एक स्कूल। कल लिलियन फेरिये मिनिस्टर फागबोवेशिंग एंड फिस प्रेसिडेंट मिलकर के एक बस ब्रेकिंग एक बातचीत कल ये लोग करेगा। कल बातचीत होगा 3 अक्टूबर को जैसे वेलको फालिस ने ऐलान किया कि आखिरी आज बंद क्योंकि अक्टूबर के 2 तारीख अधीन के कहने पर हम लोग 2 अक्टूबर को मिनिस्टर से बातचीत करेगा और ये कल बातचीत होगा। सूरीनाम की हर एक जनता एंटनी ए 27 साल का उम्र है, शनिचर के सुबह इनका गिरफ्तारी हुआ है रिफ्यू बेस्टांग टीम द्वारा पारामारिबो में। बहुत तरह बहुत जगह पर ये ढाका दारी से वॉटरफॉन फॉर दस डिफेंस स्ट्रफ बार वेटन इन पारामारिबो तहब खप्लीग ड्री स्ट्राट बरोफिंगन खप्लीग ड्री स्ट्राट बरोफिंगन हाल्फ दी स्ट्राट बरोफिंग वो और घर में घुस करके और ढाका दारी से इसलिए एंथनी को गिरफ्तारी हुआ उनको ले जा करके बंद किया गया है। संत बोमा का सिपाही उन्हें नालिश मिला कि एक घर एक मैरफे वेख एक मकान में मैरफे वेख की बात है 3 डाकू एक के पास फैश फिरवापन ये परिवार हा के घर में घुसा, घर के मालकिन अकेले ही घर में थी बस उन्हें ऊपर
सर पर गोली तान दिया पिस्तौल। उस समय इनका पति और बेटा घर पर नहीं था, वो लोग कांप गए थे। मालूम होना चाहिए क्रिमिनल इस घर में घुस करके जितना गहना सब लूट लिया ये लोग ने। 6,000 एसआरडी नगद पैसा, 500 अमेरिकांश डॉलर, 250 यूरो, मोबाइल टेलीफोन, ये सब छीन करके और ये डाकू वहां से भाग गया है। प्यारे लोग, सिपाही ये समस्या को अंधसुख भी कर रहा है। कहां तक ये इन बदमाशों की गिरफ्तारी होगा ये पता नहीं है, लेकिन यही से हुआ है। एक 22 साल का फेईपेई, नफी से पहले फेईपेई, एक 22 साल का फेईपेई, फेईपेई के मतलब एक औरत के नाम, लड़की के, इन्हें सिपाही इन्हें गिरफ्तार की है और ले जाकर के बंद की है। सुनिए तमाशा मौसी, सुनिए तमाशा। ये लड़की एक मर्द के साथ एक शॉर्ट टाइम होटल में गई है, एक होटल में, यानी मौज करने के लिए। ये लड़की एक मर्द के लेकर के एक होटल में गई है मौज करने के लिए। मौज करने के बाद, यानी तो मौज करने के बाद मर्दवा जो है मान, अब मान सोचे है कि घरे जाएंगे तो तनी नहा धो करके जाई, तो ये सब बात तो बताना जरूरी नहीं है, अखबार ने लिखी तो मैंने बोल रहा हूं। द डाम ऑफ कलोप मान से मैट एन मान नार एन शॉर्ट टाइम होटल खोविश एंड नार द सेक्स परते खिंग द मान दूषण। जब ये मर्दवा गई सही नहाय धोई के सफाई फाई करने के लिए, तब एक औरत लड़की जो मौज करने के लिए आदमिया के साथ वहां थी, उनका जितने पैसा था जेब में, मेर दान द्री दर्जन अमेरिकांस डॉलर और जितनी सामान, नचनिया लेकर के भाग गई काकी, भाग गई। जब वो गई वहां पर नहाने के लिए गई सर, बस तब देखते ये लेकर के पैसा फैसा भाग गई सब। जब ये बाहर आई तो देखे पैजाम फैजामा है ही नहीं, तो कैसे घर जाइयो। अब तमाशा, अब यहां तमाशा शुरू है। बस वो नालिश की, लड़की गिरफ्तार हुई, बोले हां हमर गैन इनके साथ मौज मौज मस्ती कर ली है लेकिन पैसा चोरी नहीं की है। द स्टार का आरंभ है तो बास फ्रॉम द अनखिफ्ट एंड्रो बोवेस मटेरियल द दाम इन क्वेस्टी इन फॉर शेक रे खस्ताल। मौसी को ले जाकर के बंद करी सर। मौसी जब कपड़ा अपना लेके पैसा फैसा पटमुड़ी लेकर के भाग गई है काकी, तो उन्हें ले जाकर किसी पाही बंद की है। न्यू खरा उनके पुलिस एक खवाप अंदर रोफ ओवरफॉल हुई है एंड नोवी वेह, नोवी वेह। 3 क्रिमिनल मास्कर्स सबके हाथ में बंदूक और कटलीस घर में घुस रहा है। घर में 2 लोग मौजूद है, उन सब पर पिस्तौल तान करके और 15,000 एसआरडी गहना, मोबाइल टेलीफोन, जितने चेतना सामान और थे डाकुओं ने सब छीन छान करके वहां से भाग निकला। भाइयों, ऐसा ऐसा डाकू चोर सूरीनाम में है तो करियो तो का करियो। मैंने भी आपको बताए हैं कि जो ओसेस फॉर बेंडिंग
जहां पर एक 4 साल के लड़का का मौत हुआ है आरएनए द्वारा, वो गाड़ी जो आदमी चलाया है वो शराब ही पिए थे। द ड्रंकन ऑटो स्टीडर राइट फिर यार दूत इन, समझ रहे ना भैया? कहा तो के बताई काका, देखो अखबार में तरह तरह के खबर लिखी से है, और तरह तरह के खबरों में बहुत तरह के बात भी है भैया। रियात नूर मोहम्मद आज रहा यार रेड फ्रॉम द प्रेसिडेंट, रियात नूर मोहम्मद नित अन्वेषक यार इज प्रेसिडेंट। अब रियात से पूछो कहा भे बबुआ काहे न गए वे, बोले 1 लाख मनीत मिस लेडन दोर अंशो इन पार्लियामेंट। दस रियात नूर मोहम्मद वो आज असेंबली में नहीं था क्योंकि देशी बहुतर से अपना दीस यार द्री नीखन त्री नीखन का यार रेज जो किया, इसलिए नूर मोहम्मद नहीं किया गया। 1 लाख मनीत मिस लेडन दोर अंशो इन पार्लियामेंट। Dus dit is geen protest van mijn kant uit, maar een duidelijke signaal dat de kiezers genoeg hebben van de misleiding en verscheuring van de verschillende bevolkingsgroepen. Toen Riyad op na bichar, inka bichar jo jaise hai, waisa hi ye kiya hai, inke dekhne mein jo inke liye theek hai, तो ऐसा ही किया। ये नहीं गया असेंबली में, नहीं गया जहां पर असेंबली में प्रेसिडेंट का भाषण हुआ है। ये कहता है कि वो नाटक शो नहीं देखने के चाहते हैं, इसलिए गया नहीं। तो देखो कौन कौन ख्याल के लोग हैं हमारा देश में, और कौन कौन ख्याल के लोग हैं जो कैसे उनका विचार है। करियो तो क्या करियो, वो नहीं गया। बवाकर बरोफ्त फ्रॉम दिस वापन, दो क्रिमिनलन, एक बवाकर बदरे मोजार्ट उनका दिस वापन लूट लिया है। पुलिस के रिपोर्ट से पता चला कि दो डाकुओं ने इन्हें आगे पीछे पकड़ करके और इनका दिस वापन इनसे छीन लिया है। ऐसे भाई है वो लोग वापन लेकर के भाग गया है, समझे ना पप्पा? फ्लोरा का सिपाही जगन्नाथ लक्ष्मण स्त्रात में, फ्लोरा का सिपाही एक रिपोर्ट लिखी से कि एक आदमी लक्ष्मण स्त्रात में, उनका जब वो डांप चल के जा रहा है तो उनका गटई की केटी जो है डाकुओं ने छीन करके भाग गया। देखिए ऐसा ऐसा तमाशा रोज होता है बप्पा, रोज जनता को समझाए जाते हैं केटी उटी पहन करके रात के अकेले दाम पर मत चलना, क्योंकि ज्यादा चोर हो गया है दुनिया में और सन्ना में जाकर के भी। कल मैंने बताए थे आप लोग को भाई बहनों की मारवेंग रिफीर में कुछ हादसा हुआ है, कुछ हादसा हुआ है। फ्रांस गुयाना के फौजियों ने, जहां तक अभी तक पता है, मरवेन रिफीर में एक स्कालियान में आग लगा दिया गया है, एक आग लगाया है जिससे एक पत्रुय फंद सुरीनाम से फ्रांस मिलिटेरन मरवे रिफीर पर जब ये लोग देखा तो पता चला कि एक स्कालियन फंड सुरीनाम से ओंदनीमर उनमें आग लगा दिया गया, वो आग से जल करके भस्म हो गया। इसीलिए अब ये बात अनुसुख हो रहा है, 9 सितंबर को एक एम्बेसडर फन रिपब्लिक फ्रांकरेक एंटोन जोली मिनिस्टेरी फॉर बेल्टलैंड साकन को आया है इसके बारे में पूछताछ करने के लिए कि कैसे भाई कि हम मरवेन रिफीर में
एक स्कालियान सूरीनाम के स्कालियान में एक फ्रांकरी के फौजियों ने उस पर आग लगा दिया। क्यों और काहे के ये बात अब उन्हें सुख होने लगा है। आगे चल करके भैया लोग समझे ना, अब सूरीनाम में तरह तरह के चीज होवत है और ऐसे भी नेह नटियारक शरीन पेई शरीन पेई को गिरफ्तार किया गया है। शरीन पेई कोई का अंगूठी मांग करके बैंक को दिया था, उन्हें से पैसा भी लिया कुछ रोजगार करने के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि शरीन पेई ये अंगूठी को शायद बेच दे इसे या और कुछ किया होगा, और जिसका ये अंगूठी वो नालिश की और सिपाही 22 सितंबर को नहीं कर शरीन पेई आंख हो यानी फॉर सेकर क्रिस्टल फॉर फॉर डाइस्ट्रिंग फन एंड होल्डन फिंगरिंग फिंगरिंग अंगूठी अंगूठी बेच दे इसे का खरी से अब इनको ले जा करके सिपाही बंद करी से भैया समझे ना। ये ले रहा है कि बैंक में जा करके दे करके पैसा वहां उधार लेता, फिर बाद में पैसा लौटार करके अंगूठी लेता, लेकिन ये और मंगाम कहीं चुप्पे से बेच दिया, तो इसलिए सिपाही इस औरत को ले जा करके बंद की है समझे ना काका। यही सब बात आज अखबार में भी जिक्र है। देखिए भैया लोग बागी चल करके मैं देख रहा हूं कि अखबार ने जिक्र की है एक मीडिया वर्कर जो पुलिस चीफ ऑफ कंवेनर दी एन मीडिया वर्कर ऑनलाइन स्टैंड हाथ को होजन फॉर एन अल्कोहल टेस्ट हिज इनमिडल्स हैड रिजल्टेड आल बिनन एर इज गेन अल्कोहल गेफोंडन इन हार ब्लड। एक औरत एक लड़की बोले मीडिया के काम करती है और वो हंसू में कुछ हुआ, बस सिपाही जब पता चला कि वो शराब पिए है तो ब्लड टेस्ट किया गया तो अब पता चला कि उनके खून में यानी दारू शराब नहीं थी। इस हिंद खुशो ना फर हो वॉज द मीडिया वर्कर हिंद खुशोंदन समझने ने काका। जिस आजकल औरत हो या मर्द हो, मीडिया वर्कर हो या पॉलिटिकस हो या कौन सी हो है? सब एक एक शॉट मार से दारू बप्पा, एक एक शॉट बोले मारो मारो भैया खतर दम है। हमें पता चला कि एक स्वामी और बुजुर्ग बिशप चुनी कादर फन सर्वद हर स्वामी रघुवनंत फन ब्रह्म ऋषि आश्रम सूरीनाम एंड स्वामी असीम कृष्णा दासी फन इस्कॉन शनिचर 29 तारीख को ये अंतमुटिंग मैट मॉन्सिनियर कार्ल चुनी से। ये अच्छा बात है, ये लोग भारत से आए हैं यहां पर जाकर के मुलाकात की है मॉन्सिनियर कार्ल चुनी से, तो ये सब बात भी अखबार ने आज जिक्र की है। देखिए आज के अखबार में जहां देखो यहां चोरी भय वहां चोरी भय, यहां लूटमार यहां सब यही सब चीज तो ज्यादा है। देखिए हम आपको पढ़ के कुछ बताते हैं। वरदाख्त में बेल्ट क्लैंप खरीदन तेईस हसीआर के फोरवोने बरूफ रोफर ओफर फॉल मन फ्रो इन शॉक ना बरूफिंग फ्लिक्स इन द ऑटो इन ब्रेकर बीन खराब ऐसा ऐसा तमाशा रोज हो गया काका समझेगा। पांच लोग परमारी वो नाइट जो रहा भी क्या निकेरी में, तो प्यारे लोग वहां पर तीन लोग को सिपाही अंदर जाते हुए वहां कंट्रोल हुआ और उन लोग के पास कुछ ड्रग्स मिला है
दृक्ष मिला है और वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। एनन ट्वेन तक एक्सटीसी तब लैटिन, एनन ट्वेन तक वो डांसिंग में जाते हैं, सब लड़कियों को पिया पिया करके मौज करते ये लोग। ये लोग के पास मरुआना, इन लोगों पास हश, इन लोगों पास एनन ट्वेन तक एक्सटीसी तब लैटिन, जिस अरेस्टाची भाई इन खंग पार्बो नाइट इन निकेरी चंद्र काका। प्यारे लोग, एक बच्ची बेचारी सो रही है, जब उसका आंख खुलती है ना तो देखे कि कैसे खिड़की में से डाकू उनके दुई तस लेकर के कूद के भाग रहा है। दुई तस इन हाउजन दे पर्सोल कस्पेलन 1200 यूरो 1200 SRD। बोले हम जैसे हमार आंखी खुला हम देखी खिड़की में से कूद करके योग नाम से दीप स्प्रिंग नहीं छोड़ा। कैसे सुताई सूती सरा बच्ची। एक फुटबॉल ट्रेनर रिकार्डो ओ के ऊपर इल्जाम है कि एक बच्ची को फुटबॉल ट्रेनिंग देते देते उन्हें बलात्कार भी करता था। अब नाइस भैल, अब ये फुटबॉल ट्रेनर इन्हें इनका गिरफ्तारी हुआ, 8 महीना से ये जेल में है। ये अब सबूत जमा कर रही है, सबूत जमा करती है अपने रिहाई के लिए। बोले वैसे तो 6-7 महीना लोग को रिहाई कर दिया जाता है। बोले हम 8 महीना बंद है ली और झूठे हमें लड़कियां बदनाम करके बंद करवाई है। फुटबॉल ट्रेनर रिकार्डो ओ merkwaardig ondanks alle getuigen alibi en overtuigen वगैरह। बोले कि सब लोग देखी सरा कि हम ये सब बजाती नहीं की है, लेकिन लड़कियां बोली ये हमें हमेशा बलात्कार करती थी, हमने कहा फुटबॉल ये सिखाता था, हमें दूसरा चीज सिखा रही थी ये। Hij verklaart verder dat zijn hechtenis duidelijk te maken heeft met het feit dat hij een bekend persoon in de samenleving is. अरे भैया, बच्ची बोले तो के बलात्कार की है, ओके फुटबॉल सिखाना चाहते थे या आप उन्हें क्या क्या सिखाई लो, अब जेल में है। प्यारे लोग, अब हम ये बात कह करके ना, ये सब बात कह करके भैया लोग, और हम आप लोग से अब इजाजत चाहेंगे, इसलिए मुझे खुशी है कि आप लोग के समझ में आ गया है कि जब हम लोग हर एक काम जो आप करेंगे, अगर आप के अंदर में विश्वास नहीं है, अगर आपके अंदर में इकाई नहीं रहेगा, तो आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये संदेश हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक फरीनखे के लिए, हर एक जगह जहां जहां लोग फरीनखे उठाए हुए हैं, अगर आप लोग के अंधविश्वास न है तो आप लोग फरीनखे मत उठाओ। मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूं, अगले प्रोग्राम में आप लोग से फिर भेंट होगा। शुक्रिया।